मैं सस्पेंड ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। हाँ हमें जस्टिस चाहिए। उस लड़की के साथ चार और लड़कियां हैं जो कि उसके साथ मिली हुई हैं, उनको रिवील नहीं कर रहे हैं। उसको वो भेजती थी, पैसे लेती थी लड़कों को, बॉयज हॉस्टल में भी भेजती थी वो। कितनी लड़कियों का अटैक भी आया है लड़कियों को, एक ही कंफर्म डेथ थी। वार्डन के पास इतनी बारी गए, उन्होंने हमें बोला तुम्हें पता है ना, तो बस यहीं पे बात खत्म कर दो। कितनी बातों को दबा दिया गया है, ये कोई पहली चीज नहीं है, सबको पता है, कोई नया नहीं है यहाँ पे। इतनी बातों को दबा दिया गया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। मेरे यहाँ को वापस भेज दिया इन्होंने, पैसे दे के पुलिस को वापस भेज दिया, मैम इनका क्या प्रूफ है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा? आप पे प्रेशर होगा, बनाइए बोल दो, पुलिस में बात जाएगी, फालतू में आपका नाम बनाएंगे। Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के, लेकिन हमारी आज की वीडियो हमारी पुरानी सारी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है। आज हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। बचपन से ही हमने एक कहावत सुनी है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल लाइफ में अपने आसपास हमने ऐसा ना कुछ सुना है ना ही कुछ देखा है, और हमें क्या लगता था कि ये बातें तो पिक्चर तक ही रहती है या फिर किताबों तक ही रहती है। लेकिन आज हम लोग जिस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो इतनी शर्मसार घटना है ना, और वो घटना इस कहावत को 110% जस्टिफाई करने वाली है। और सिंस की कहावत में हमने औरतों को मेंशन किया है, तो लड़कों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो लड़कियों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है ना, इक्वली आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स। आप किसी भी उम्र के हो, चाहे आप हमारी उम्र के हो, हमारे से छोटी उम्र के हो, हमसे बड़े हो, हमारे मम्मी पापा की उम्र के हो, या दादा दादी के उम्र के हो, प्लीज ये वीडियो ना लास्ट तक देखना। ये हमारी खुद की सेफ्टी और जिन जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सीरियसली ये घटना सुनने के बाद ना मेरे को और दीदी को ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में आखिर हम लोग बोले क्या। हमारा ना दिमाग घूम गया है। जी हाँ, आप लोग में से बहुत लोग गेस कर लिए होंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस के बारे में, जहां पर एक लड़की के कारण 60 से ज्यादा लड़कियों के MMS वायरल हो गए बाथरूम में नहाते हुए। आप लोग सोच रहे हो अगर ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी हमारे इंडिया में, तो भाई हमारा इंडिया का जो नाम है ना, वो काफी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। और इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से इतना खुल के अगर हम लोग ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। और इस घटना को लेकर ऐसी ऐसी अफवाह फैल रही है ना, कि सीरियसली समझ में नहीं आ रहा किन बातों पर भरोसा किया जाए और किन बातों पर भरोसा ना किया जाए। इसलिए हमने भी प्रॉपर 2 दिन का समय लिया इस वीडियो को बनाने से पहले, सारे न्यूज पढ़े, सारे वीडियोस देखे, इसके बाद सारे पक्षों को एनालाइज करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं इस बारे में आप लोगों से बात करने के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले जान लो कि ये पूरा माजरा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो देखो, बात है 17 सितंबर की, मोहाली में प्रेजेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर का गर्ल्स हॉस्टल, वहां पर एक लड़की अपनी ही बिल्डिंग की दूसरी लड़की का MMS बनाते हुए पकड़ी गई। और वो MMS पता है कहाँ बना रही थी? बाथरूम में। जब पहली वाली लड़की बाथरूम के अंदर बाथ ले रही थी, नहा रही थी, तब ना दूसरी वाली लड़की पता नहीं कहाँ से, विंडो से, वेंटिलेटर से, बाथरूम में विंडो तो नहीं होता होगा, आई थिंक वेंटिलेटर के थ्रू ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। और उसी वक्त हॉस्टल की दूसरी लड़कियों ने उसको देख लिया और रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन लड़कियों को क्या लगा था कि ये इसका पहली बार है, इसीलिए पकड़ी गई। लड़कियों को अभी तक ये नहीं पता था ना कि इसके आगे जब उसका फोन लिया जाएगा तो कितने सारे खुलासे होने वाले हैं। लड़कियों ने उसको पकड़ा, उसको नीचे उतारा, नीचे उतार करके जब थोड़ी सी बहसबाजी हुई तो आवाज सुन करके और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। और उसके बाद जब सारी लड़कियों को माजरा पता चलता है तो सब लोग उससे क्वेश्चन करती हैं, और यहाँ पर ना वीडियो भी वायरल हुई है उस कॉन्वर्सेशन की। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो दूसरी लड़कियां थी ना, बहुत ही ज्यादा पोलाइट थी,
स्टिल उस लड़की से बहुत ज्यादा पोलाइट थी। हम वहां पर होते ना तो पता नहीं क्या कर देते। लड़कियों ने उससे बहुत अच्छे से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार, तुम भी तो एक लड़की हो ना, एक लड़की होकर के एक लड़की की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हो। हमें पता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ करके नहीं कर रही हो, जरूर तुम भी किसी के प्रेशर में होगी तभी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और इसका रियल क्लिप हम लोग इंसर्ट कर देंगे पर वहां पर ऑडियो क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नरेटिंग। तो यहां पर वो लड़की क्या रिप्लाई करती है कि हां किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया है, उसने मेरे को कहा है कि बाकी लड़कियों का एमएमएस बना करके देने के लिए और इसीलिए मैं उसको बना करके देती हूँ। सबने पूछा कि कौन है वो लड़का, तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन है। मतलब लिटरली पकड़े जाने के बाद भी झूठ। अगर आप किसी को नहीं जानते हो और आपका अगले से कोई लेना देना नहीं है तो आप वीडियो बना करके किसी को भी भेज दोगे, लाइक सीरियसली। और इतना होने के बाद भी लड़कियां उसके साथ काफी ज्यादा पोलाइट थी, आप एक बार क्लिप देख लो। देखा आपको नीचे से उठते हुए वीडियो बनाते और इन सब ने देखा है, शाजिया ने भी देखा है, सब भी डर हुई है। हमें नहीं पता मैं क्या एक्शन लेना क्या नहीं, हम एक्शन में थे ना, अब बता दो क्या हुआ करना। तो आपने दरवाजा क्यों बंद किया था इधर का? दरवाजा भी बंद कर पुलिस लग गई, अब हम लोग को कम्प्लेन करना पड़ेगा। अगर सच बता दो तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, फिर ऐसा कुछ मत करना। हमें बता दो वीडियो बनाइए, इट्स ओके इट्स ओके, आप पे कोई प्रेशर होगा इट्स ओके, वो नहीं कर बनाइए, बोल दो पुलिस पे बात जाएगी, फालतू में आपका नाम बट आपने क्यों क्यों एक लड़की हो आपको नहीं पता, किसी लड़के ने बोला आपको बाहर से आया होगा बोला, किसने बोला था? मैंने पता नहीं कौन है पता नहीं, देखो आप प्रेशर से बता दो, कोई नहीं शांत शांत हो गया, प्रेशर किया था प्रेशराइज किया था करने के लिए। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब लड़कियों ने उसका फोन लिया और उसको चेक करने लग गई कि फोन के अंदर और क्या क्या है, किस किस के वीडियो है, तो वो लड़की जो पर्टिकुलरली उस टाइम पर नहा रही थी उसका एमएमएस तो था ही, उसके अलावे उसी बिल्डिंग की 60 अदर गर्ल्स का एमएमएस भी उसके फोन में था। और केवल फोन में ही नहीं था बल्कि उस लड़की ने ना सारे एमएमएस को किसी लड़के को भेजा हुआ था। जब सबने पूछा कि ये लड़का कौन है बताओ, तो उसने बस इतना बताया है कि ये लड़का शिमला का रहने वाला है। जब सबने बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, तो वो लड़की बात मानने को रेडी ही नहीं हुई। आप बस एक बार उससे बात कर लो, क्या आप आपके पास वीडियोस हैं अभी भी, कोई भी वीडियोस? आपने इसको भेजी है? मतलब पहले ऐसी थी, मैंने इसको कुछ नहीं भेजा कुछ नहीं। आप अभी बोल रहे हो आपने भेजी, आपने बोला आपने हॉस्टल में लड़कियों की वीडियोस भेजी हैं इसे? नहीं। आप एकदम सच सच बता दो, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाएगी तो पुलिस तक जाएगी। आप सच में मैंने हॉस्टल की किसी भी लड़की की निकाली थी, किसकी निकाली थी आपको पता है? वो तो नहीं पता। आपने वीडियो देखा, आपने शक्ल नहीं देखी? लेकिन जिन 60 लड़कियों का एमएमएस था ना, जब उनको ये चीज पता चली ना, वहीं पर उन लड़कियों को पैनिक अटैक आ गया। जस्टिस, उन्हीं लड़कियों में से 8 लड़कियों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, बहुत सारी लड़कियां फेंट हो करके गिरने लग गई, सारी लड़कियां काफी ज्यादा डर गई और एक लड़की ने तो फिनाइल भी पी लिया था ऑन द स्पॉट। उसके बाद वार्डन को खबर दी गई, वार्डन ने यूनिवर्सिटी वालों को बताया और फिर कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ जाती है। इसी बीच सारी लड़कियां हॉस्टल के बाहर कॉलेज के बाहर जमा हो जाती है और सारे लोग बस उस लड़की का डिमांड करती है, सारे लोग प्रोटेस्ट करने लग जाती है। फिर भी जब कॉलेज अथॉरिटी आंसर नहीं करती है ना, तो उसी यूनिवर्सिटी के जितने भी लड़के होते हैं ना, सारे दूसरे हॉस्टल के लड़के बाहर यूनिवर्सिटी के जमा हो जाते हैं एंड लड़कियों को सपोर्ट करने लग जाते हैं। एंड आपको पता है यहाँ पर जिन लड़कियों को पैनिक अटैक आया था, जिनकी तबीयत खराब हो रही थी, जिसने फिनाइल पिया हुआ था, उनके लिए एम्बुलेंस आता है एंड इस कल्प्रिट लड़की को उसी एम्बुलेंस में छुपा करके ले जाया गया था, क्योंकि पता था अगर उसको खुले में ले जाया जाएगा तो बाकी के स्टूडेंट्स छोड़ेंगे नहीं। तो वार्डन ने उसकी इस तरीके से हेल्प की थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।
सेफ्टी नहीं है, आपको सेफ्टी नहीं है, हॉस्टल में भी सेफ नहीं है लड़की, तो फिर बताओ क्या करें? आपकी वार्डन कहाँ सो रही थी साइड में, तभी ये सब हो रहा था। आपका मामूली मामला नहीं है, सीरियस मामला है और पुलिस हमेशा सीरियस ही लेती है। नहीं पुलिस लेके उंगली वाले नहीं लेते, उंगली वाले नहीं लेते, मेरे उनको भी खरीद लेके पैसे देके कितनी बातों को दबा दिया गया है। ये कोई पहली चीज नहीं है, सबको पता है, कोई नया नहीं है यहाँ पे। इतनी बातों को दबा दिया गया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। मेरे यहाँ को वापस भेज दिया इन्होंने, पैसे देके पुलिस को वापस भेज दिया, मैम इनका क्या प्रूफ है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा? इसके बाद जब सारी वीडियोस बहुत ज्यादा स्पीड से वायरल होने लगी ना, तो रात को वार्डन ने क्या किया, लड़कियों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके ये कहा कि तुम लोग ना अपनी फोन से सारी वीडियोस को डिलीट करो, तो तुम लोग को अच्छा लग रहा है क्या कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की लड़की और तुम लोग वीडियोस वायरल कर रही है? और बकायदा लड़कियों के पास ना ये मैसेजेस है, हमें जस्टिस चाहिए। उस लड़की के साथ चार और लड़कियां हैं जो कि उसके साथ मिली हुई हैं, उनको रिवील नहीं कर रहे हैं। की वीडियो नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया है, 60 लड़कियों से ऊपर वीडियो है। यूनिवर्सिटी वाले डिनाई कर रहे हैं कि नहीं बनाया गया, हमने देखा है वीडियो। वीडियो क्यों बनाया, हमारे पास वीडियो है पूरा जो डिलीट कर दिया जा रहा है, वार्डन को जैसे ही दिखा रहे हैं। कहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है, वायरल कहाँ किया जा रहा है? किसी साइट पे है, किसी साइट पे। मेरा सवाल है वो लड़की भेज किसको रही थी, किसको भेज रही है? उसके मोबाइल में वीडियो है, उसका कोई दोस्त उसको वो भेजती थी, पैसे लेती थी लड़कों को, बॉयज हॉस्टल में भी भेजती थी वो। कितनी लड़कियों के वीडियोस हैं? 60 से ऊपर लड़कियों की वीडियोस हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ है, हुआ है। कितनी लड़कियों पैनिक अटैक भी आया है लड़कियों को, एक ही कंफर्म डेथ थी मैंने सुना। सुसाइड अटेम्प्ट किसने किया, पैनिक अटैक? अटेम्प्ट वालों को तो भेज दिया गया, सारों को एम्बुलेंस आई, हमें बस इतना बताया गया पैनिक अटैक। जैसे बात खुल रहा है तो पता चल रहा है कि सुसाइड डेथ है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या आप लोगों को कहा जा रहा है? कुछ नहीं कहा जा रहा, बोला कुछ नहीं हुआ, कह रहे सब ठीक है, शांत हो गया। हाँ, उन लोगों ने बोला हम लोगों को बंद करके क्यों रखा है, फिर सब शांत है तो जाने नहीं दे रहे। नहीं, अभी हम लोग गेट तोड़ के आए हैं। और हम लोग वार्डन के पास इतनी बारी गए, उन्होंने हमें बोला तुम्हें पता है ना, तो बस यहीं पे बात खत्म कर दो, तुम्हें पता है ना यहीं पे बात खत्म करो, हम एक्शन लेंगे। अगर एक्शन होता तो पुलिस उसी टाइम आती, हमें ना लेके जाती, उन लड़कियों को तो लेके जाती जिन्होंने देखा है। पुलिस रात में आई। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, how do you feel safe on the campus now? we have seen that incident had taken place now. हमारा सर यहाँ पे, हम लोगों की सिक्योरिटी बस इतनी है कि हमें 7 बजे से पहले गेट के अंदर आना है और हमें 7:30 बजे अपनी अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियाँ बीमार होके भी मर रही हो तो भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक्चुअली ना, चार लड़कियाँ हैं, उनकी वीडियो नहाते हुए वायरल हो गई। एक लड़की ने वीडियो बनाई उनकी चारों की और उनकी वीडियो वायरल कर दी, और ऐसा कह रहे थे शुरू में कि चार लड़की के साथ हुआ, पर अब जाके पता चला कि 60+ लड़कियों के साथ हो रहा है। उनकी वीडियोस बन रही है नहाते हुए, न्यूज बन रही है, डी ब्लॉक की, सी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की, सारे ब्लॉक की, और वो वायरल हो रही है। और वो जो लड़की जिसने किया ये सारे, उनको बंद करके रखा है एक जगह की, वो बाहर निकलेगी तो सारे मार देंगे। सारे नीचे अभी जमा हो करके चिल्ला रहे जस्टिस के लिए सारे, और अथॉरिटीज दबाने की बात कर रही है। हाँ, और वार्डन लोग सारी चीजें बोल रहे हैं कि दबा दो, सारे अंदर दबा दो, कोई मान नहीं रही। वार्डन लोग तो पता नहीं क्या है खुद, वो कुछ सुबह से हम लोग धक्के खा रहे हैं। हाँ, सुबह से सारे कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहे, वार्डन उल्टा कह रहे हैं कि बात दबा दो। पर जैसे ही सुबह हुई और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, इसके बाद वार्डन ऐसी पलटी कि पूछो मत। इससे पहले भी वार्डन ने एंड कॉलेज अथॉरिटी ने उस कल्प्रिट लड़की को बचाने की कोशिश की। वीडियोस ज्यादा वायरल होने से पहले ही उन्होंने क्या किया कि सारी लड़कियों के फोन को तोड़ दिया, और उस पर्टिकुलर लड़की जो कल्प्रिट लड़की है ना, जो कि MMS बना रही थी, उसके फोन से सारे सबूत ही मिटा दिए, 60 के 60 MMS डिलीट कर दिए ताकि ये खबर दब जाए। लेकिन इसके बाद भी जब वीडियोस वायरल हो रही थी, बहुत तेजी से लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रही थी, और वार्डन की असलियत अब सामने आने ही वाली थी, तब तक वार्डन क्या पलटी खाती है नहीं पता। एक वीडियो वार्डन बनवाती है, पता नहीं कि चुपचाप से कोई वीडियो उसकी बना रहा था, कि उसका ये इंटेंशन था कि मेरी वीडियोस वायरल हो, और उसमें वार्डन ऐसा दिखा रही है कि वो उस लड़की को इतना डांट रही है और ये कह रही है कि तुम्हें भी नंगी करके तुम्हारी वीडियोस हम लोग वायरल करेंगे, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, अभी पुलिस आके तुम्हें ले जाएगी, इसलिए तुम जो जो काम की है उसको अच्छे से कबूल कर लो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और ऐसा प्रिटेंड कर रही है ना कि उसे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है उन लड़कियों के लिए। क्यों प्लीज मारो की तरफ, फिर कंप्लेन करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने का बहुत ही है, कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तुम।
इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लड़कियों का कहना है कि वार्डन का ना ये दोगलापन है, क्योंकि वार्डन रात तक कुछ अलग भाषा बोल रही थी और जब वीडियो वायरल हो गई सुबह में वार्डन की भाषा चेंज हो गई और सारी लड़कियां केवल से केवल वार्डन को ही दोषी करार दे रही है। साथ ही साथ पुलिस भी, कॉलेज अथॉरिटी भी सारी चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। लड़कियों का तो कहना है ना कि जिस लड़की ने फिनाइल पिया था एंड जिसको पैनिक अटैक आया था शायद उनकी जान भी खतरे में और शायद से किसी की डेथ भी हुई है, लेकिन पुलिस के साइड से ये बात को साफ साफ नकार दिया गया है कि नहीं, किसी की भी डेथ नहीं हुई है। उस रात जिन लड़कों ने ना प्रोटेस्ट किया है, पुलिस वालों ने सबके ऊपर लाठी चार्ज किया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो लोग कोई डिमांड कर रहे हैं, किसी का जस्टिस चाह रहे हैं, इनफैक्ट लड़कियों के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो उन पर पुलिस वाले लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? वो लोग तो यार स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही साथ कोई भी लड़की अगर न्यूज चैनल पे अथॉरिटी के खिलाफ या फिर वार्डन के खिलाफ कुछ भी अगेंस्ट बोल दे रही है ना, तो उनका आईडी कार्ड भी सीज कर दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों, ये तो भाई ऐसा लग रहा है ना कि इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। मैम सस्पेंड ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। हाँ कर रहे हैं, हमने तो बोला नहीं, चाहती हूँ आप लोग शांति से बेटा अपने अपने नहीं, रूम में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे रूम में। मैम आप बच्चों को कैंपस में क्यों जाने दे रहे हैं? और कैंपस में जाने तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ हुआ नहीं है तो कैंपस में जाने दो। एफआईआर हुई है उसका और एग्जिट टाइम 7 बजे का, हमें बाहर जाने दो ना। फिर यहाँ एक सड़ी मछली के कारण ना पूरा तालाब गंदा हो चुका है। और यहाँ पर ये जो लड़की है ये क्रिमिनल माइंडेड भी नहीं है, ये यहाँ से खाली है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ऐसी घिनौनी और ओछी हरकत नहीं कर सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड उसकी हिम्मत कैसी होती होगी, या फिर उसे पकड़े जाने का कभी डर नहीं होता होगा क्या कि जब भी वो पकड़े जाएगी दूसरों को कैसे फेस करेगी, अपने माँ बाप को कैसे फेस करेगी? और अभी तक वो लड़की ये बात मानने को रेडी नहीं है कि जिस लड़के को वो सारे वीडियोस भेजती थी वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो सीधे सीधे से बोल रही है कि मेरे को नहीं पता वो लड़का कौन है। तो भगवान उसको सद्बुद्धि दो। और आप लोगों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपके आसपास कोई भी क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। यह बात केवल लड़कियों की नहीं है, हमारे सोसाइटी में आज लड़के भी सेफ नहीं है। व्हाट इफ ये घटना लड़कियों के साथ ना होकर के लड़कों के साथ ही होती? अगर एक लड़का लड़की का एमएस बनाता है तो लोग कह सकते हैं कि वो हफसी है, वो हवस के कारण ये सारी हरकतें कर रहा है, लेकिन एक लड़की लड़की की वीडियो बना करके वायरल कर रही है? भगवान, पता नहीं ये कलयुग है और क्या क्या देखना एंड सुनना पड़ेगा। तो आपकी रक्षा ना आपके खुद के हाथ में है। आप अपने घर वालों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते ना, तो ये समाज आपकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। और फिलहाल वो लड़की अभी पुलिस के हिरासत में, और साथ ही साथ उस लड़की का भी लोकेशन पता चल गया है। भगवान करे उस लड़की को भी जल्द से जल्द पुलिस अपने हिरासत में ले ले। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो या फिर एमएमएस आपके पास आती है तो उस वीडियो को फौरन से फौरन अपने फोन से डिलीट कर दो। और ये बात ना बस आज के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, इन फ्यूचर अगर कोई भी लड़की या फिर लड़के के एमएमएस आपके पास आती है ना, तो प्लीज उसे अपने फोन से डिलीट कर दो और उसे सर्कुलेट मत करो यार। और हम लोग बचपन से ये सीखते आए हैं, हम लोग ये कहते आए हैं कि हमारा स्कूल एंड हमारे कॉलेज हमारे लिए शिक्षा का मंदिर है, हमने इसको मंदिर का दर्जा दिया है, लेकिन कुछ गंदे इंसान के कारण ना ये जगह भी अब दूषित
दूषित हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो गए और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो गए तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, अपने कमेंट्स भी ना हमारे लिए जरूर छोड़ देना, हम लोग उसे पढ़ेंगे। जरा देखते हैं आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।